हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 हेयर मिस्टेक्स जो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बिकॉज आप में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा और पूछा कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ कि मेरे हेयर की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर लग रही है, वो मोर शाइनियर लग रहे हैं, थिकर लग रहे हैं, लॉन्गर लग रहे हैं। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपनी पर्सनल 3 हेयर मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो मैं करती थी एंड विच आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप डूइंग, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इन माई हेयर क्वालिटी। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। एंड अगर आप ये इनमें से कोई भी हेयर मिस्टेक करते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको अभी से फ्रॉम राइट नाउ उसको करना जो बिल्कुल बंद कर दो, एंड इट विल रियली हेल्प यू लॉट इन द लॉन्ग रन। सो जब से मैंने करना बंद करा, यू कैन सी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज देखोगे तो लाइक 4 to 5 मंथ्स बैक मेरे बालों की लेंथ आप देख सकते हो कि यहाँ तक थी, एंड नाउ माई हेयर हैव ग्रोन क्वाइट अ बिट। यू कैन सी लाइक बहुत ग्रो कर गए हैं ये तब से अब तक। सो दीज टिप्स हैव रियली हेल्प मी अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फ्रेंड्स, आई विल शेयर द टिप्स विद यू। सो गाइस, जो फर्स्ट मिस्टेक है जो मैं आपको बताऊंगी वो है अब्यूजिंग योर हेयर व्हेन योर हेयर इज वेट। तो पहले क्या होता था, जब मेरे बाल जैसे ही मैं धोके बाहर आती थी तो मैं उसको टॉवल से ऐसे ऐसे करके, यू नो पंजाबी में बोलते हैं छेड़ना बोलते हैं बालों को, मैं वो करती थी तो मुझे लगता था यार इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मैं अगर हल्के हल्के से ऐसे कर रही हूँ तो एक्सेस वाटर ही जस्ट रिन्स आउट हो रहा है, तो इससे इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं कर भी रही हूँ तो कुछ नहीं होता। तो मैं पहले जानती थी कि ये चीज़ बहुत हार्म करती, बट मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती थी बिकॉज आई डोंट यूज़ टू थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा इतना ज़्यादा। तो हमें जब हमारे बाल गीले होते हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा से फिंगर्स रन करती थी, तो आप कम्प्लीटली स्टॉप डूइंग दैट टू डिटैंगल देम, उनको कुछ भी मत करो। इवन आई वुड सजेस्ट यू कि सिरम भी मत यूज़ करा करो बिकॉज इट विल नॉट हेल्प दैट मच। सो वो गीले बालों पे कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट बिल्डअप होता रहता है एंड इट हार्म्स योर हेयर। उससे ना आप देखोगे कि आपके बाल तो स्मूथ हो जाते हैं बट इट लूजेस द शाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो शाइन नहीं रहती आपके बालों के अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज दिस कि किसी भी तरह की हीट, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सैलॉन्स में क्या होता है, स्ट्रेटनिंग करते हुए अगर बालों पे वो थोड़ा सा स्प्रे करते हैं वाटर एंड देन वो स्ट्रेटनिंग आयरन यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इफ़ यू हैव सीन। सो दैट रियली डैमेजेस योर हेयर, यू शुड नॉट डू दैट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड ये ज़रूर फॉलो करना गाइस, जब आपके बाल गीले हैं जस्ट आप उसको 15 to 20 मिनट्स एक टाइम आउट कर लोगे आफ्टर यू नो वॉशिंग योर हेयर, उसको 15 to 20 मिनट्स जो है वो टॉवल में रहने दो, देन लेट इट एयर ड्राई। बस टॉवल खोलते ही उसको जो है वो जस्ट लीव इट इन द स्टेट दे आर, उसको बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा ऐसे टॉवल से छेड़ो मत, हाथ उसमें मत मारो गीले बालों में, लेट इट ड्राई देम कम्प्लीटली, एयर ड्राई होने दो, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड उसकी वजह से आप देखना जब आपके बाल ड्राई आउट होंगे, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी लगेंगे और बहुत ज़्यादा मैनेजेबल भी लगेंगे। सो ये था टिप नंबर 1। सो द सेकेंड टिप इज़ गाइस की यूजिंग फैंसी हेयर केयर रूटीन्स। सो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जितना आप अपना स्किन केयर सिंपल रखते हो ऐसे ही अपना हेयर केयर जो है वो बिल्कुल सिंपल रखो। बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स, यू नो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पूस, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री एंड क्या क्या मार्केट में आजकल नहीं आता है वो सब कुछ, बहुत सारे हाई एंड शैम्पूस, ये सब कुछ आपको ट्राई करने के लिए, मतलब ट्राई मत करा करो अपने बालों पे, एक्सपेरिमेंट मत करा करो। बेसिक शैम्पूज एंड कंडीशनर्स जो होते हैं दे वर्क द बेस्ट। जस्ट शैम्पू का एक ही काम होता है, दैट इज़ क्लीनिंग योर स्कैल्प, एंड कंडीशनर का एक काम होता है कि जस्ट कंडीशनिंग योर हेयर एंड जो आपके हेयर जो लेंथ है उसको स्मूदन आउट करे। सो दैट्स इट, यूज़ अ बेसिक शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड एज ऑलवेज आई हैव ऑल्सो मैंशन कि मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करती हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में। सो आई यूज़ डव का, अर्लियर आई यूज़ टू यूज़ डव का डेली शाइन, बट फ्रॉम लाइक पास्ट 1 to 2 मंथ्स आई हैव बीन यूजिंग डव का इंटेंस रिपेयर, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ट्राई करा था, चेंज करा था डव की ही रेंज से, तो इंटेंस रिपेयर शैम्पू एंड इंटेंस रिपेयर उसका कंडीशनर ही, आई एम यूजिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, फैंसी हेयर केयर रूटीन्स के अंदर जो होता है वो बहुत सारे DIYs भी आते हैं, लाइक जो आप ये हेयर मास्क एंड ऑल यूज़ करते हो, लाइक अगर आप हनी वाला, एग वाला, कर्ड वाला, बनाना मास्क एंड मेथी के दाने वाला, कड़ी पत्ता यूज़ करने वाला, सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करा करो। इससे होता क्या है, ये आपके बालों के अंदर जो है वो ये, मतलब ये आपके हेयर को और भी ज़्यादा मेसअप करता है। इफ़ यू सी कि ये आप अप्लाई तो कर लोगे, जब इसको रिमूव करने का टाइम आएगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, मेसअप करता है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्रेकेज एंड हेयर को अल्टीमेटली मेसअप कर देता है। तो ये सब कुछ करने से आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इन टर्न
इंटरनली अच्छा खाना खाने से जो फ़र्क हमारी स्किन एंड हेयर पे पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है, बॉडी पे पड़ता है, वेट पे पड़ता है, वो सब कुछ जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं पड़ता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो हेयर मास्क जितने आते हैं कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दे रियली वर्क, इट्स अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी, तो दे डोंट वर्क। हाँ, हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट, बिकॉज आपके बाल हेयर ऑयलिंग अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ हो जाते हैं। सो हेयर ऑयलिंग इज़ अ मस्ट, बट हेयर मास्क अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ नो नो, आई डोंट लाइक यूजिंग दैट। तो इसी के साथ जो है वो टिप नंबर 3 ये है, जो बहुत ज़्यादा मैंने भी गलती करी है, तो आप को भी शायद आप में से 90% लोगों को चीज़ पता होगी, अगर आप गूगल करोगे तो उसमें लिखा होगा कि हॉट वाटर बालों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, कंडीशनर को बिल्कुल कोल्ड वाटर से रिंस करना चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें आपने गूगल पे पढ़ी होंगी, बट दिस इज़ टोटली अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। आपके लिए बालों, आपको अपने बालों के लिए राइट टेम्परेचर का वाटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द बेस्ट वाटर टेम्परेचर दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग फॉर हेयर इज़ ल्यूकवॉर्म वाटर। जितना नॉर्मल वाटर अपने फेस पे फील कर सकते हो उतना ही आपको स्कैल्प पे फील करना चाहिए। बॉडी के लिए हम में से बहुत लोग जो हैं थोड़ा सा एक हॉट साइड पे वाटर यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जैसे हम फेस पे कुछ ज़्यादा हॉट बेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल हल्का सा ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुना पानी हम यूज़ कर सकते हैं, वही सेम जो हमें स्कैल्प के लिए यूज़ करना चाहिए। एंड ऑल्सो कंडीशनर रिमूव करने के लिए भी हमें वही यूज़ करना चाहिए। कोल्ड वाटर यूज़ करने से जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथनेस एंड ऑल नहीं आती है, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कंडीशनर के लिए एंड शैम्पू के लिए, बोथ के लिए आपको जो है ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करना चाहिए, एंड वाटर का राइट टेम्परेचर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वॉन्ट हेल्दी हेयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड जो हॉट वाटर होगा वो आपके हेयर को बहुत डैमेज कर देगा, एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर जो होगा वो आपके हेयर को प्रॉपरली क्लीन ही नहीं करेगा। तो यूजिंग ल्यूकवॉर्म वाटर इज़ द बेस्ट टेम्परेचर वाटर फॉर हेयर। सो दीज आर द 3 टिप्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज पर्सनली, जो मैंने फॉलो करनी स्टार्ट करी हैं, एंड दे हैव गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू ट्राई दिस एंड लेट मी नो दैट हाउ इट वर्क फॉर यू। So thank you so much for watching the video guys. Bye bye, take care, we'll meet in the next video.